कथा सागर, दुनिया के महान कथाकारों की चुनी हुई बेहतरीन कहानियां। हर कहानी इंसान और इंसानी समाज की सच्ची तस्वीर, ऐसी तस्वीर जिसे समय की धूल भी धुंधला न सकी। आज की कहानी का शीर्षक है मुसाफिर। लेखक गीत मोपासा की कहानी ऑन द जर्नी का हिंदी रूपांतर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैंने आपको शायद डिस्टर्ब कर दिया है, मगर मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। मैं निशा के बारे में आपसे पूछने आया हूं। वो मुझे नहीं जानती, मगर मैं उसके हस्बैंड का दोस्त हूं। उसने मुझे लिखा है कि मैं उसके बारे में सब कुछ उन्हें लिखूं। उसके हस्बैंड आपके दोस्त हैं? जी हाँ, वो मेरे दोस्त हैं, वरना मुझे क्यों लिखते? आई एम सॉरी, वो किसी के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी पत्नी को यहां मरने के लिए भेज दिया है, और कितनी बुरी हालत में भेजा है, देख रहे हैं आप। मैं आपका मतलब नहीं समझा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी पत्नी कितनी सीरियस है, इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद से बॉम्बे उसे भेजा, मगर उनके दिल में अपनी पत्नी के लिए इतना रिगार्ड नहीं था, इतनी कर्टसी नहीं थी कि उसे साथ लेकर आते। मैं सुबह से बैठे यहां पर यही सोच रहा था कि किससे बात करूं। मैंने उनके सारे टेस्ट निकाल लिए, मगर उनके हार्ट के वॉल्स इतने वीक हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। मेरा नहीं ख्याल वो 2 महीने से ज्यादा जी सकती है। मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरी कोशिश बिल्कुल वैसी होगी जैसे किसी डूब चुके आदमी को किनारे पे खड़ा कोई आदमी आवाज दे रहा हो। इट्स अ होपलेस केस। डॉक्टर साहब कहते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो सच कहते हैं। मैं जानती हूँ, तभी तो आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। नर्स, मैं खिड़की से बाहर देखना चाहती हूँ, ये पर्दा हटा दो। ओके। ये पर्दा बंद कर दो, मुझे बाहर नहीं देखना। कल आपके हस्बैंड के एक दोस्त आपके बारे में इंक्वायरी करने आए थे। मेरे हस्बैंड के दोस्त? लेकिन उनका तो यहां कोई दोस्त नहीं। तो फिर और कौन हो सकता है? आपके बारे में काफी वरिड थे। फिर तो वही होगा। वही कौन?
जरा पर्दा हटा कर देखिए। हाँ यही है वो। कौन है ये? वेल, अगर आप चाहें तो मैं आपके हस्बैंड को आपके बारे में पूरी रिपोर्ट भेज दूं। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर लिखना होगा तो मैं खुद ही लिख दूंगी। As you wish. सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें कल ही बॉम्बे जाना पड़ेगा और फौरन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हें अच्छा होना है तो तुम्हें बॉम्बे जाना ही होगा। मुझे अच्छा नहीं होना है। कैसी बातें कर रही हो? देखो, तुम्हें तुम्हारी फिक्र ना हो, लेकिन हमें तो है, तुम्हें कल बॉम्बे जाना ही होगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? देखो जतिन, तुम जानते हो कि मैं ठीक नहीं हो सकती। फिर इतने बड़े शहर में जहां अपना कोई भी ना हो, चंद दिन जीकर क्या करूंगी? वहां तो मौत का इंतजार भी मुश्किल हो जाएगा। निशा, मेरे लिए कितनी बुरी बात है। डॉक्टर कहें तुम्हें वहां भेजने के लिए और मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं, लोग क्या कहेंगे? लोगों के डर से तुम मुझे वहां भेजना चाहते हो? वैसे भी आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो लोगों के डर से ही तो किया। यहां तक कि मुझ अनाथ लड़की से शादी भी इसलिए की कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को हमारे संबंधों का शादी से पहले ही पता चल चुका था। तुम घबराओ नहीं जतिन, मैं चली जाऊंगी। सबसे अच्छी बात यही है जतिन, क्या हमारा कोई बच्चा नहीं है, वरना मेरे लिए मरना कितना मुश्किल हो जाता। प्लीज प्लीज निशा, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें बंबई में अपने बिजनेस का कोई जरूरी काम नहीं है ताकि तुम मेरे साथ चल सको? क्या मतलब? मैं तो सोच रहा हूँ चलने की। सोच भी क्यों रहे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे वहाँ छोड़ने नहीं आ सकोगे। वैसे भी मुझसे ज्यादा तुमने हमेशा अपने बिजनेस को ध्यान दिया है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी कि अगर तुम्हें वहाँ कोई जरूरी काम हो तो शायद तुम मेरे साथ आ सको। जतिन, इस आखिरी सफर में अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना इस दुनिया में मेरा कौन है? Thank you.
इसमें आप अकेली हैं यहाँ? जी नहीं, एक नौकर है सेकंड क्लास में। नौकर आएगा तो उसे अपने पास बिठा लीजिएगा ताकि आप डरे नहीं। क्यों? दरअसल पुलिस को शक है कि इस ट्रेन में कोई खतरनाक मुजरिम सफर कर रहा है, वो उसकी तलाश में है, आप सावधान रहिएगा। जी अच्छा। मुझसे डरिए नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूं। मैं एक ऐसी कंपनी का पार्टनर हूं जिसके दो और पार्टनरों में से एक ने दूसरे का खून कर दिया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मुझे भागना पड़ा। मैं एक बार बंबई अपने वकील के पास पहुंचाऊं फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप यहां बैठिए, प्लीज बैठिए। अगर मैं कोई चोर या डाकू होता तो इतनी बड़ी रकम आपको वापस करता। मैं आपसे बहुत दूर यहाँ बैठ जाता हूँ। मुझे डरिए नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। पुलिस के हाथ लग गया तो फांसी भी हो सकती है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, किसी तरह मुझे बॉम्बे पहुँचाने दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। कैसी तबीयत है बेबी जी? मैं ठीक हूँ राम काका। बिस्तर लगा दूँ? नहीं रामू काका, आप अपनी टिकट इनको दे दो और अगले स्टेशन पर वापसी की गाड़ी पकड़कर घर चले जाओ। ये आप क्या कह रही हैं बीबी जी? मैं जो कह रही हूँ वही करो। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा। आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतने बड़े शहर में आप अकेली कैसे रहेंगी? वहाँ आपके साथ कोई बातचीत करने वाला भी नहीं होगा। नहीं जी नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। देखिए रामू काका, आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। ये लो 300 रुपया, और अगर बिना टिकट के जुर्माना हो जाए तो दे देना। अब अपना टिकट जल्दी से इन साहब को दे दो। साहब ने कुछ पूछा तो कह दूंगा कि बीबी जी ने जबरदस्ती वापस कर दिया। हाँ हाँ कह देना। सुनो रामू काका, अपनी ये टोपी और ये शॉल यहीं छोड़ जा। नमस्ते बीबी। आप ये टोपी और शॉल पहन लीजिए और अपना नाम याद रखिए, राम। अच्छा कि आपने नौकर को यहाँ बुला लिया, इसे यहीं बिठा लीजिए। जी चलो अगले कंपार्टमेंट में देखते हैं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको अपना नौकर वापस भेज देना पड़ा। क्या आपकी सेहत ठीक नहीं है? एक बात कहना चाहती हूँ, आज रात आपको इस कंपार्टमेंट में रहना है। इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे।
इस रात के बाद भी आप में और मुझ में कोई बातचीत नहीं होगी। आप मुझे थैंक्स भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं। अंदर से दरवाजा बंद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ, मैं मिसेस निशा के बारे में आपसे पूछने आया हूँ। अहमदाबाद से फोन आया है कि? अहमदाबाद से कोई फोन नहीं आया, मुझे निशा ने सब कुछ बता दिया है। आपको मेरा यहाँ आना खलता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जब आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी इज्जत है, मैं तो चाहूंगा कि आप उसके पास जाए, इससे उसका दिल बहलेगा। उसने मना किया है और मैंने उसे वादा किया है, कभी नहीं मिलूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। डॉक्टर, आपकी दवाई से कुछ फर्क पड़ रहा है? मेरी दवाई से फर्क पड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, दर्द जरूर कम हो जाता है, कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है डॉक्टर। वो बाहर बैठने के बजाय अंदर आ जाए करें। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं उसके दिल में हमेशा रहने वाला कोई दर्द नहीं छोड़ना चाहती। मुझे इस बात से बड़ी तसल्ली है डॉक्टर, कि मेरे आखिरी लम्हों में किसी ने मुझे चाहा। ये चाहत भी एक अजीब चीज है ना डॉक्टर। मैंने उसे सिर्फ एक बार बात की है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं उसे 20 साल से जानती हूँ। मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकती डॉक्टर, फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ कैसे हो गई। डॉक्टर, क्या ये मुमकिन है कि मैं ठीक हो जाऊं? Why not? जब मैं ठीक थी तो मेरे दिल में जीने की बिल्कुल उमंग नहीं थी। अब मैं मौत के दर पर आ गई हूं तो जीने की ख्वाहिश होने लगी। I want to live doctor, बेशक थोड़े से समय के लिए मुझे ठीक कर दो डॉक्टर। मैं जीना चाहती हूँ डॉक्टर, मुझे उजालो डॉक्टर। I want to live डॉक्टर, मैं जीना चाहती हूँ डॉक्टर। मैं
साहब, डॉक्टर गोयल आपको बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, निशा इस दुनिया में नहीं रही। जब जा